सोमवार को मधुपुर अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के निर्देशानुसार डॉक्टर इकबाल खान तथा संजीत कुमार के नेतृत्व में 473 व्यक्तियों का कोरोना जांच किया गया। कोरोना वायरस जांच हेतु सैंपल कलेक्शन लैब टेक्नीशियन मंजीत कुमार, विनय कुमार, महबूब आलम, साकिर आलम तथा एमपीडब्ल्यू अजय कुमार दास एवं विनोद कुमार दास द्वारा किया गया, जिसमें 264 व्यक्तियों का आरटीपीसीआर जबकि 209 व्यक्तियों का एंटीजन किट द्वारा जांच किया गया। 209 में से 6 व्यक्ति का परिणाम पॉजिटिव प्राप्त हुआ जबकि 203 व्यक्तियों का परिणाम निगेटिव प्राप्त हुआ है। इन 6 पॉजिटिव व्यक्तियों को डॉक्टर इकबाल खान द्वारा आइसोलेट कर दिया गया। साथ ही डॉक्टर खान द्वारा फॉलोअप के दौरान 7 व्यक्तियों का परिणाम नेगेटिव प्राप्त हुआ। इस प्रकार आज की तिथि में संपूर्ण मधुपुर क्षेत्र में कुल सक्रिय केस की संख्या 27 है। निरंतर बढ़ते हुए कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए सभी टीम के सदस्यों ने ग्रामीणों से अपील किया कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना जाएं, अति आवश्यक कार्य रहने पर ही बाहर जाएं, वह भी फेस मास्क लगाते हुए, फिजिकल डिस्टेंस में रहकर हाथ को स्वच्छ रखें, हैंड सैनिटाइजर या साबुन का इस्तेमाल करें, खुद सुरक्षित रहें तथा समाज एवं देश को कोरोना वायरस के प्रसार से बचने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। सैंपल जांच कार्यक्रम में CHO रश्मि कुमारी, प्रियंका कुमारी, सुनीता कुमारी, डिंपल कुमारी, अनु देवी, कुसुम देवी, चिंता देवी, राजेंद्र प्रसाद, श्री प्रसाद, रजनीकांत मिश्रा, शिवानंद झा तथा गौतम कुमार मौजूद थे।